दोस्तों न्यूज पोल के सबसे लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। नंबर 7, महात्मा गांधी किसी जश्न में शामिल नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में शामिल महात्मा गांधी आज़ादी के पहले जश्न में शामिल नहीं हुए थे। 15 अगस्त 1947 को वो बंगाल के नोआखली में थे। नोआखली में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए वो वहीं रुके हुए थे और लोगों को ऐसा न करने के लिए समझा रहे थे। नंबर 6, नेहरू मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय के तत्कालीन अंतरिम सरकार के मुखिया जवाहरलाल नेहरू अपने नए मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि में दिए गए प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विडास्मी के बाद 15 अगस्त तक उन्होंने अपने मंत्रियों की सूची गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी। नंबर 5, तिरंगा नहीं फहराया गया। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री ने ध्वजारोपण करते हैं और देश के नाम संबोधन देते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लाल किले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 के दिन झंडा फहराया था, मतलब स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया जाने लगा। नंबर 4, लाखों लोग हो रहे थे इधर से उधर। भारत पर ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ भारत के दो हिस्से कर दिए गए। भारत से अलग होकर दो हिस्सों का एक देश बना, जिसमें से भारत के पूर्वी हिस्से में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी हिस्से में एक पश्चिमी पाकिस्तान था। नया देश बनने के बाद करोड़ों लोग विस्थापित हुए। आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों 1,45,00,000 लोग विस्थापित हुए और करीब इस विस्थापन में 10,00,000 लोग मारे गए। नंबर 3, भारत पाकिस्तान की कोई सीमा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई भी सीमा नहीं थी। 15 अगस्त को भी भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खुली हुई थी। 17 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त के दो दिन बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेडक्लिफ रेखा की घोषणा हुई। ब्रिटिश जज सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा को खींचा था। रेडक्लिफ इसी काम के लिए ही पहली और आखिरी बार भारत आए थे। नंबर 2, राष्ट्रगान भी नहीं था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, लेकिन राष्ट्रगान का पहला ड्राफ्ट 1908 मतलब 1908 में लिखा गया था। ये ड्राफ्ट अभी भी शांति निकेतन में रखा है, लेकिन 1947 में यह भारत का राष्ट्रगान नहीं था। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार जनगणमन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। और लास्ट और नंबर 1, बिखरा हुआ था भारत। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तब भारत रियासतों में बटा हुआ था और इन सब रियासतों को मिलाकर नया राज्य बनाए गए। इस एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका थी, लेकिन बाद में इन राज्यों का गठन का विरोध हुआ। सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया। दोस्तों ये थी सारी उस 15 अगस्त की बात की सारी न्यूज़। इसी तरह से और इतिहास, साहित्य और पॉलिटिक्स और समाज से जुड़ी हुई बातों के लिए दोस्तों न्यूज़ पोल के सबसे लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।